जांजगीर चांपा के अकलतरा में 15 से अधिक महिलाओं ने स्वरोजगार का एक अनूठा उदाहरण पेश किया है। ये महिलाएं इन दिनों पुराने कपड़े से थैले बनाकर उसे बेच रही हैं। महिलाओं की इस कोशिश में अकलतरा विधायक सौरभ से भी उनका सहयोग कर रहे हैं और आम लोगों से इन थैलों को खरीदने की अपील कर रहे हैं। विधायक सौरभ सिंह ने महिलाओं से कपड़े के थैले खरीदकर लोगों को जागरूक करने थैले को बाजार में बांटा भी और लोगों को प्लास्टिक या पॉलीथीन का उपयोग नहीं करने के लिए जागरूक भी किया। महिलाओं की कोशिश का ही नतीजा है कि अब लोग बाजार जाते वक्त कपड़े के थैले लेकर जा रहे हैं और पॉलीथीन का उपयोग नहीं कर रहे। आपको बता दें कि एक अनूठी पहल, 15 ऐसी महिलाएं जिन्होंने स्वरोजगार को अपनाते हुए पुराने कपड़े से थैले बनाए और अब उनके इस मुहिम में विधायक भी उनका सहयोग कर रहे हैं। वो लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि वो भी इन कपड़े के थैलों को खरीदें ताकि प्लास्टिक्स पर बैन लगाया जा सकते लग सके और इन महिलाओं को भी रोज़गार मुहैया हो सके। पर्यावरण प्रदूषण मत हो बल्कि हम लोग इसको पुराने कपड़े का इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे अच्छा से उपयोग होगा तो पर्यावरण प्रदूषण भी नहीं होगा और पुराने कपड़े का इस्तेमाल भी हो जाएगा। हम लोग खाली बैठे हुए थे सर, तो भैया ने हमें मार्गदर्शन दिया कि मतलब आप पुराने कपड़ों से थैला सिल के दीजिए और 20 से 25 लेडी को लेडीज यहाँ जो खाली थी उनको रोजगार भी मिल गया है। सिंगल यूज जो प्लास्टिक है वो प्लास्टिक को बंद होना चाहिए, सिंगल यूज प्लास्टिक को। और इसके लिए जो परिकल्पना है माननीय मोदी जी की, जो 2 अक्टूबर को गांधी जयंती जी के उपलक्ष्य में घोषणा होगी, उसके तहत कल हम लोग अकलतरा में कार्यक्रम चालू कर रहे हैं।